And this notice is saying that Vivekananda Vichar Manch is organizing a documentary screening on religious conversions in Kerala. And the poster itself really problematic, that they used several people's picture in that poster without anybody's, these people's consent. We are having peaceful protest, and then suddenly some people from activists of AVP, they started shouting slogans against all the female comrades that and students who were there, and also the common students who were there participating in the protest. We started distancing ourselves from that place, and suddenly we saw a group of 16 to 20 people running towards away from the Sabarmati Dhaba, and somebody was attacked. We looked out for it, that who has been targeted. Then we saw that former JNSU president Mohit Pandey was attacked, and continuously in Hindi they were shouting that isko yahi pe maar denge, isko yahi jala do, and such kind of hate statements were used at that moment. मैं साबरमती ढाबा से ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल की तरफ जा रहा था, तब तक मुझे सौरभ शर्मा जो एबीपी का मेंबर है उसने पीछे से गाली देते हुए, माँ की गाली देते हुए रोका, और उसके बाद बोलने लगा कि तुझे तो मैं बताऊँगा, तू बड़ा नजीब की लड़ाई लड़ता है, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ रहा है, और तू आसिफा के लिए आवाज़ उठा रहा है, आज तुमको बताऊँगा। Right here, so Mohit came inside the car because they were chasing Mohit, and he wanted to get out of here. He was sitting in the car, and these people, they actually chased him here, and they tried to pull him out of the car. The person who was driving, unka collar aise pakad ke wo log aise pull out karne ki koshish kar rahe the unko, aur tabhi acha wo matlab bhagne ki koshish kar rahe the, aur jab wo steer kar rahe the tabhi jaake wo security guard ke pair pe lag gaya, which is, I mean, I'm extremely sorry for what happened, but then these people were the only ones who were provoking. और वो driver के आप सोचो कि अगर लोग आपको lynch करने आ रहे हैं, अगर आपको मारने आ रहे हैं, तो तभी ना जाके वो गाड़ी वो ऐसा हुआ. और अभी ये लोग narrative पूरा change कर रहे हैं. उन लोगों ने गाड़ी को तोड़ना शुरू कर दिया, दोनों गेटों को तोड़ना शुरू कर दिया, पीछे से हमला गाड़ी पे बोल दिया, पूरे पत्थर फेंक फेंक के गाड़ी के शीशे फोड़ दिए, उसके बाद हाथ से मार मार के गाड़ी के पूरे शीशे फोड़ दिए, और एक शीशे से मेरे ऊपर हमला किया. पूरा जान से मारने की उनकी योजना थी. दोनों हाथ से गेट पकड़ते हुए मैं टीचर्स के फ्लैट में गया. टीचर्स के फ्लैट में भी 40-50 एबीवीपी के लोग वहाँ पहुँचे. उन्होंने बोला कि कौन साला छुपाया है, मैं आज उनको भी मार डालेंगे, और इस मोहित पांडे को तो मार डालेंगे, और जो भी उसको बताएगा प्रसन्नजीत गौतम को भी मार डालेंगे. एबीवीपी डिडंट इवन ट्राई टू लाइक स्टॉप एनीथिंग, दे वर मोर इंस्टिगेटिंग द क्राउड टू कि मोहित को मारो, पीट दो एंड जला दो यहीं पे. एकदम क्लियर कट पता चल रहा था कि आप वहाँ पे अपना कम्युनल फासिस्ट जो राजनीति है उसको प्रोपोगेट करने आए हैं. हदिया जब चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि मैं किस धर्म में जा रही हूँ, मैंने किससे शादी किया है, ये मेरा मर्जी है, तो आप आके उसको कैसे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. वहाँ पे ऐसे दिखाया जा रहा था कि हिंदू धर्म कितना महान होता है, और उसमें मतलब किसी हम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, ये लोग जो दूसरे धर्म के लोग हैं ये लोग फोर्सफुली लोगों को कन्वर्ट करता है, उन लड़कियों को फोर्सफुली बहलाया जाता है और उनको कन्वर्ट किया जाता है, टारगेट किया जाता है. लिटरली दे हैव यूज्ड अ वर्ड लाइक दैट, एंड दे हैव एक्चुअली टैग्ड मी इन अ ट्वीट सेइंग कि आप आइए यहाँ पे देखिए किस तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट करके कन्वर्ट किया जाता है. हम लड़कियों का कोई एजेंसी होगा कि नहीं होगा, जब हम खुद बोल रहे हैं कि हमको अपने जीने के लिए, हमको अपना साथी चुनने के लिए, हमको किससे प्यार करना है किससे नहीं करना है, ये हमारा डिसीजन है, आप बीच में हम लोगों को मत बताइए. उसके बावजूद इस तरीके का पूरा हेट प्रोपोगेंडा इन लोगों ने कैंपस में चलाया. वी वर जस्ट होल्डिंग प्ले कार्ड्स एंड वी वर स्टैंडिंग देयर. दे अब्यूज्ड अस, दे लाइक लिटरली दे एक्चुअली अटैक्ड वाइस प्रेसिडेंट सिमोन, लाइक दे ट्राई टू स्लैप हर. और वो एबीवीपी की लड़कियाँ लिटरली हम लोगों को ऐसे पूरा खींच रही थी इस तरीके से, एंड दे ट्राई टू स्लैप अस, दे ट्राई टू पुश अस, एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड. एंड नाउ दे आर ऑल्सो अगैन, जो उनका फॉल्स प्रोपोगेंडा होता है ये लोग चला रहे हैं वहाँ. दे आर स्टिल स्क्रीनिंग द फिल्म हियर. अभी साबरमती ढाबे पे वो लोग अभी फिल्म स्क्रीनिंग हो रहा है. अगर किसी और ऑर्गेनाइजेशन से ये होता तो तभी आके VC या फिर JNU एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये लोग रोक देते फिल्म स्क्रीनिंग, या कुछ भी होता ये लोग आके रोक देते. इट इज़ क्लियरली शोज द एटीट्यूड ऑफ दिस JNU एडमिनिस्ट्रेशन. दे आर रेडी टू गिव एनी हेल्प टू दिस ABVP गूंस. दे आर
they are very openly, they are spreading the hate among the students, and they are doing all these communal formed documentaries and their programs.